हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे स्टैटिक्स का थर्ड पार्ट, दैट इज मोड। और मोड होता है क्या है बेसिकली, उसका पहले इंट्रो देखेंगे, देन उसके बाद आएंगे हम उसके फॉर्मूलाज पे, देन उसके बाद आएंगे हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट हम आते हैं इंट्रो ऑफ दी मोड एंड देन उसके बाद फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ज़्यादा सिर्फ फोकस करूँगा उसके इंट्रो पे। ओके, ज़्यादातर फिर उस पर फोकस करूँगा इंट्रो पे एंड फॉर्मूलाज पे, देन उसके बाद में आपको लेके जाऊँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस और मीनिंग ऑफ द मोड। ठीक है, बेसिकली मोड होता क्या है, द स्कोर ऑफ रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, दैट इज मीन जितना नंबर ऑफ द टाइम आपका कोई भी एक नंबर और एक डाटा जब रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, ये होता है मोस्ट ऑफ दी अनग्रुप डाटा के लिए, और इसका मीनिंग भी यही होता है कि मोड क्या हो सकता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ टाइम है, जितना नंबर ऑफ टाइम क्या होगा कि रिपीट होगा, उसको हम बोलेंगे मोड। ठीक है, देन आते हैं अभी उसके फॉर्मूलाज पे। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रुप डाटा देखेंगे, अनग्रुप डाटा मैंने आपको मीनिंग में ही समझा दिया कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप डाटा जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है मोड इक्वल्स टू एल प्लस इन द ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड द ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, देन यहाँ पे हमें L गिवन है, L दैट इज मीन लोअर बाउंड्री, जो आपका क्लास गिवन होता है उसमें से हम क्या करेंगे लोअर बाउंड्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लोअर बाउंड्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगा 0 to 10, तो दैट इज मीन जो फर्स्ट वन गिवन है ये आपका लोअर बाउंड्री होता है एंड जो सेकेंड वन होता है वो अपर बाउंड्री होता है, राइट। तो यहाँ पे लोअर बाउंड्री हमें मिल जाएगा क्लास जो आपको गिवन होगा। नेक्स्ट वन हमें गिवन है यहाँ पे F1। F1 क्या होगा, जो हमने सेलेक्ट करने हैं ग्रुप डाटा के बेस पे, जो मॉड जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, जब हम टेबल देखेंगे तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे मॉड। ठीक है, ये मॉड होगा आपका मॉडल क्लास फॉर द फ्रिक्वेंसी 1। आएंगे हम F2, दैट इज मीन जो आपकी प्रिसीडिंग जो आपको फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास गिवन था, जो सबसे हाईएस्ट नंबर गिवन था, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कोई भी नंबर गिवन हो, उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, लेकिन उसके बाद जो नंबर होगा उसको हम F2 कंसिडर करेंगे, उसको हम बोलेंगे सक्सीडिंग क्लास, दैट इज मीन उसके नेक्स्ट वाला क्लास को हम बोलेंगे सक्सीडिंग क्लास। एंड देन आएंगे F0, जो आपको मॉड जो F1 गिवन था उसके पहले का जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे F0। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगा 10, 20, 30 एंड 40, यहाँ पे 40 लिखता हूँ एंड देन 30। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि F1, F2 एंड F0 क्या हो सकता है। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो F1 होगा, जो सबसे उसके बाद आएगा दैट इज प्रिसीडिंग F0 एंड देन सक्सीडिंग क्लास, दैट इज जो उसके नेक्स्ट क्लास आएगा। तो यहाँ पे मैं F1, F2 एंड F0 फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड द लास्ट वन आएगा एच, दैट इज विद, विद मतलब कि डिफरेंस इन द क्लास, जो आपकी क्लास पर डिफरेंस होगा। तो इस बेस पे हम मोड को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इंट्रो में बस आपको इतने ही एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि आप बोर हो जाओगे। तो थियरी में बस आपको इतने समझना है कि मोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।